नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। कर्तव्य पथ पर मोदी के मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संभाला कार्यभार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कार्यभार संभालने साउथ ब्लॉक स्थित मंत्रालय पहुंचे। खट्टर गिरिराज सिंह ने भी संभाला पदभार। आंध्र प्रदेश से भाजपा सांसद डी पुरंदेश्वरी का नाम लोकसभा स्पीकर की दौड़ में सबसे आगे चल रहा है। 64 साल की पुरंदेश्वरी एनडी रामाराव की बेटी और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू की साली है। कैबिनेट मंत्री का पद नहीं मिलने से अजीत पवार के एनसीपी के बाद शिंदे की शिवसेना भी नाराज। सारंग श्रीरंग बारड़े ने मोदी सरकार पर लगाए पक्षपात का आरोप। एक सीट जीतने वाली पार्टियों से भी कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर उठाए सवाल। मोदी सरकार 3.0 में बीजेपी ने रक्षा, गृह, विदेश, वित्त, कृषि जैसे अहम मंत्रालय अपने पास रखे। जदयू के राजीव रंजन सिंह को पंचायती राज मंत्री और टीडीपी के राममोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर हिंसा पर जताई चिंता। मोदी सरकार को चिताया, चुनावी बयानबाजी से ऊपर उठकर राष्ट्र के सामने मौजूद समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत। राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में दिखा रहस्यमय जानवर, वायरल हुआ वीडियो। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने इसे घरेलू बिल्ली बताया। हालांकि सोशल मीडिया पर कई यूजर्स दावा कर रहे हैं कि यह तेंदुआ है। आंध्र प्रदेश में राजग में शामिल तेलुगुदेशम पार्टी, जनसेना और भाजपा के विधायकों की एक बैठक विजयवाड़ा में होगी। इसमें तेदीपा अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू और विधानसभा में राजग का नेता चुना जा सकता है। टीडीपी नेता रामकृष्ण राजू ने निवर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। आपराधिक साजिश रचने का है आरोप। बलौदा बाजार में सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़। धारा 144 लागू। धार्मिक स्तंभ को नुकसान पहुंचाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहा था सतनामी समाज। मुंबई में सोमवार को शाम 7 बजे के बाद भारी बारिश, कुछ जगहों पर यातायात जाम से लोग परेशान। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।